हेलो नमस्ते, वेलकम टू रीना शर्मा चैनल। आज हम बनाएंगे चटपटी भरवा मिर्ची। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 4 से 5 भरवा मिर्ची, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 तीखी हरी मिर्च, लगभग आधा नारियल का टुकड़ा, थोड़ा हरा धनिया। सबसे पहले मिर्ची में भरने के लिए मसाले का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मिक्सर जार में लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च, नारियल को बारीक काट कर डाल देंगे। अब हरे धनिया को भी थोड़ा काट कर डाल देंगे। और मीडियम पेस्ट बना लेंगे। मीडियम पेस्ट तैयार होने पर इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे लगभग आधा नींबू का पानी और फिर से मिक्स कर लेंगे। अब सभी भरवा मिर्ची में बीच में से चीरा लगा देंगे। चीरा लगाने के बाद भरवा मिर्ची में बनाए हुए मसालों को अच्छे से पूरी तरह भर देंगे। इसी तरह सभी मिर्चियों में मसाले डाल देंगे। अब गैस ऑन करके एक मीडियम पैन में 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ा राई। अब धीमी आंच पर सभी भरे हुए मिर्ची को अच्छी तरह सभी तरफ से पका लेंगे। और ढक्कन से ढककर 1 मिनट पकने देंगे। 1 मिनट बाद सभी को पलट देंगे। और फिर ढक्कन से ढककर 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट बाद सभी को फिर से पलट देंगे। और फिर ढक्कन से ढककर 4 मिनट और पकने देंगे। 4 मिनट बाद सभी को पलट कर गैस बंद कर देंगे। और सभी मिर्ची को एक प्लेट में निकाल लेंगे। चटपटी भरवा मिर्ची बनकर तैयार है। इसे आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।